एक दिसंबर, अभी इसके पहले आपने घोड़े का देखा जो पार्क में पड़ा है, घोड़े अस्पताल में भर्ती करने का नियम नहीं है जयराम जी की है। अब देखिए जय श्री राम ही कुछ कर पाएंगे। 70 सालों तक बाप रे बाप ये देश कैसे चला। आगे अभी मैं बंदर भोज के बीच में आया हूँ, अब इसलिए मैं निकालता हूँ। कल कोई एक श्रीवास्तवा जी हैं का तो बंदर का जो इनको हम प्यार से बुलाते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो हमने कहा चलो भाई कम से कम श्रीवास्तवा जी सक्सेना जी आप लोग दिमाग रखते हैं, इसलिए इससे मनोबल बढ़ता है आदमी का। अब यही आप उल्टा सीधा कमेंट करेंगे हैं, जो मूर्ख टाइप के हैं बंदर को दाना आदमी को मिलता नहीं है। आदमी है कहाँ आज, कौन कहता है कि आदमी है, कहाँ है आदमी हमको बताइए, आदमी किसे कहते हैं। नहीं बदमाशी ना करो, अच्छा दिया एक थप्पड़ दिए मार दिया, ले 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 भैया तुम्हारा ले, इससे बड़ा है ये तुमको, अब तुमको हम लूटी देंगे। देखो उसको हमने एक थप्पड़ मार भी दिया है, ले खाओ। देखा इतनी हिम्मत होनी चाहिए, कहा भैया अरे तुमको भी नन्हे से कितने छोटे से हैं देखिए हैं, ये देखिए अब इनको हम उसको जाके रोटी देंगे। वो महा वो बेचारा बिना माँ का है अकेला, हाँ उसको देंगे, ले ले भैया ले। देखिए वहाँ पर बेचारा आवाज़ दे रहा, अकेला है वो, ले भैया जहाँ रोटी फेंकेंगे सब खलबल खलबल वहाँ। ए वो भगा, देखो ए बिना माँ का है वो, अब देखो ए ये देखा देखा ये देख देखा मारे डर के वो चिल्ला रहा है लेकिन आ नहीं रहा है। देखो दुनिया के लोगों कितनी भयानक सजा इसको भगवान ने दे रखी है, कितना बिना माँ का बच्चा है वो, ये देखिए अब कू कू कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ अगर फेंक दूँ, अगर ये रोटी कहीं भूल से वो कहीं घर के अंदर चला गया तो फिर जिसका मकान है वो हमको गालियाँ देगा। ए मिला उसको, देखिए बिना माँ का है, देखा इस बड़ी बंदरिया की वजह से वो भाग गया। अब मैं नीचे उतर के जाऊँगा और मैं उधर फेंक दूँगा ताकि उस बेचारे को कुछ मिल जाए। और ये देखिए शायद बीमार बैठी है, ले तू भी खा ले हैं, चलो हमारे घर भैया तुम्हारी इलाज करा दे हैं। देखिए सांस लेने में इसको तकलीफ है, लो खाओ। इसमें मैं मोबाइल आ रहा है, ये भी अटेंड करो, सब लोग देखा लोग देखेंगे और उसके बाद में मिस वन एक ही मिस कॉल है, देखें किसका है। त्रिपाठी बंदर वाले, अच्छा उनको देख लें। हालत गड़बड़ है इसलिए रोटी नहीं ये खा रही है। उधर तिवारी जी का फोन आया है, हाँ हाँ अच्छा जहाँ मिले तो वहीं से ले आओ जाके इन लोग हाँ उनको नहीं, आप डॉक्टर से मिले, अरे लेकिन इनके यहाँ छूट मिल जाती है ना, आप जायसवाल के यहाँ बताइए कि भैया सैंपल वाली न दो हमका कीमत वाली दो, समझ गए हो। हाँ आप जायसवाल के यहाँ जाओ, अरे एक एक पैसा बचाओ महाराज सब। हाँ अच्छा ले आओ ले आओ ले आओ चले जाओ वही स्टेडियम के सामने, ठीक हाँ 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 मिल जाए तो ठीक है, जो मिल जाए तो आप ये जी ठीक है रखिए। ये देखा आपने अभी हमने उनसे बात किया और बातचीत करके सामने बंदर की हालत ख़राब, घोड़ा वहाँ टूटा फूटा पड़ा है जिसका अभी मैंने वीडियो बनाया है हैं। तो रात दिन ज़रा फिर मैं दिखाता हूँ कि देखो अंधो ज़रा हमारी पैर की हालत देख रहे हो, ये हमारा पैर है जैसा नाला नाली गंदगी हैं, सुबह से रात दिन हो जाता है यही करते हैं, न खाना न पीना न नहाना, बाल आज हम
कम से कम कितने दिन से हमारे बाल गंदे हो गए हैं, धो नहीं पाए हैं, अंदर रूसियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। का हले ले कितना छोटा सा है बच्चा जी, अब इसको फेंकेंगे, ये बीमार खा नहीं रही है, अब एक आध दो दिन में गिरेंगी, फिर ये मरेंगी, फिर इनको हमको दफनाने के लिए ले जाना पड़ेगा। लो भैया तुम लोग काहे के पीछे पड़ रहे हो, ले भैया उसको दे दे, वो बच्चा खा ले, रुक जाओ वहीं मिलेगा, वो बच्चा है कहाँ, छोटा सा बिना माँ वाला, अरे ऊपर है, अरे राम राम, अरे राम, कितना छोटा सा बच्चा है, हैं, बिना माँ वाला है, देखो फिर फोन आया, देखो हमारी हालत है, बंदर यहाँ भोज भी चल रहा है, कोई देखिए बिना माँ का बच्चा है, छोटा सा है ये, देखो जरा छोटा सा ये, फिर मोबाइल आया, अरे रुको भाई, देखिए भागो मत मारेंगे। हेलो कहाँ, ऐसा है कि मैं अभी ज़रा बंदर भोज कर रहा हूँ और हाँ हाँ अब हमको एक घंटे के बाद मिला लें, ठीक है जी 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 जी, आप वही टाटा मोटर से बोल रहे हैं जी जी, अरे महाराज अभी तक हमको नंबर नहीं मिला है, जी अच्छे बात जी, ठीक है धन्यवाद धन्यवाद। देखा तो एक एक गेहूँ का दाना बिन रहा, हाँ ले 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 ले, ए देखिए कितना छोटा सा बच्चा है ये, ए ये देखो कितना नन्हा सा है, कितना छोटा सा, वो कैमरे में ऐसा बड़ा लगता है आपको, कितना छोटा सा, इसकी माँ इसके पास में है, ठीक इतने देर में कहाँ से मोबाइल से, देखो वो बिना माँ वाला अलग है, देखा वहाँ से झाँक रहा था, और मैं चुपचाप रूटी जब मैं फेंकूँगा तो ये बाहरी बंदर जो है चुपचाप दौड़ के वहाँ पहुँच जाएंगे ताकि उसको आगे मिल जाए। ये लो इनका बिन के खा दो, जो कोई रोटी नहीं खा रही हैं, रात के ठंड में ये मरेंगी आज, एक दो ही तीन दिन के मेहमान हैं, अब इनको हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, अभी ज़रा सा हम खाली हाथ लगा दें इनके ऊपर या आवाज़ करेंगे तो सारे बंदर हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे, छुएं भाई तुमको हम छुएं, चलो छू तो रहे हैं लेकिन देखो दांत दिखा रही है कि हमको छुओ मत, देखिए सांस किस तरह ले रही है ये, हैं सांस लेने में तकलीफ है, हाँ तो ज़रा हाथ मैंने छुआ तो दांत दिखाया इसने, बताइए कैसे इनको हम पकड़ें, इसी तरह बीमार होके, अरे कम से कम रात के ठंड में जाड़े से ही बच जाएं, आराम से मरें, लेकिन छू नहीं सकते, यही मेरी मजबूरी, देख रहे हैं आप, चले हमारा गेहूँ वहाँ पड़ा हुआ है और खा तो रहे हैं लोग, झोला ना कहीं ले गए, झोला उसने नीचे उतार लिया है, झोले को नीचे ले भैया खाओ बिन बिन के, अब वहाँ वालों को देखिए हमको देखा झोला छोड़ के भगी, ये देखो भैया मम्मी के गोद में बैठे हैं, देखो कैसे आराम से बैठे हैं, गेहूँ भी झोले से निकाल के बाहर कर दिया है, अभी गेहूँ को भरें, छोटी थोड़ी सी रोटी है, अरे एक आदमी हो व्यवस्थित हो, तनख्वाह मिले सब हैं, इनके लिए चारा दे आवे, इनको बंदर को दिए दिए दे, घोड़ा वहाँ जैसे पड़ा है उसकी वो सेवा करे, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ उसके ऊपर कि ऐसे ऐसी सेवा से बढ़ के, कौन ऐसा संकट है मुसीबत है परेशानी है जो बंदर भोज से नहीं हट सकता है, कितनी राहत मिलेगी आपको। हाँ एक साहब ने एक दिन वो बोला, ओ बाबा आपने काऊ को भगा दिया, तो भैया सुन लो आप लोग पहले इसके बारे में आपको तो जानकारी है नहीं, जो काऊ को इसलिए भगा देते हैं कि काऊ का भोजन जो है ये काऊ सामने खड़ी है,
मैं जहाँ हटूँगा ये काऊ आके सब गेहूँ खा जाएगी। ठीक, इनको काऊ को देख के सारे बंदर भाग गए। हैं, वो काऊ है और उसका हस्बैंड वो बैठा हुआ है। तब ये घास खाने वाले जानवर हैं, ये पत्ती खाने वाले जानवर हैं, ये गेहूँ और रोटी खाने वाले जानवर नहीं हैं। वो देखिए बीमार वाली बंदरिया उठ के उसी झुंड में धीरे धीरे जा रही है। हैं, किसी तरह एक दिन दो दिन लगेंगे, अभी जहाँ अभी थोड़ी ठंड पड़ जाए, ठंड लगेगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और तभी उनकी मौत होगी। छू नहीं सकते हैं। अब ये देखिए आ जाए, या देखिए हमको ये डरवाने की कोशिश किया इसने, ये बाहरी बंदर है, सबको ये आ गया है, इसी की वजह से सारे बच्चे भाग गए, ये गेहूँ छोड़ के सब भाग गए। ठीक, अब इसको भरें पहले। कैमरे को मैं बंद कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय पंजाब, जय श्री राम, जय पंजाब, जय पंजाब। 1 दिसंबर 2017, देखिए अब नगर पालिका का क्या रिजल्ट निकलता है। अरे भैया, रायबरेली का भला करो नेताओं, रायबरेली के सड़क के हाल देख रहे हो कि शर्म आती है। हैं, पशु अस्पताल में नाम है घोड़ा अस्पताल और वहाँ आप घोड़ा नहीं भर्ती कर सकते। तब तो डॉक्टर साहब ने इसको बाहर के लिए आदेश किया। हमने कहा चलो अच्छा किया, वहाँ पार्क में लोग करते रहे हैं। एच डी पांडे साहब रात दिन लगे हैं, तिवारी जी लगे हैं। ठीक, मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जै श्री राम।